वेलकम बैक टू शेलर एकेडमी। आज का टॉपिक होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आज इसका लेक्चर वन है। एप्लीकेशन का मतलब क्या है? तो भाई एप्लीकेशन मतलब हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा डिफरेंशिएशन के, इतने सारे लेक्चर्स हमने देखे, तो आज हम देखेंगे कि इनके सबके यूज कहाँ कहाँ आते हैं। बेसिकली इनके यूज इनफाइनाइट है। मैं यूज बताने चालू करूंगा तो बहुत सारे वीडियोज बन जाएंगे, बट जितने हमारे काम के हैं, हमारे सिलेबस में भी है और बहुत ज्यादा यूजफुल भी है, वो सारे मैं इन वीडियोस में कवर करूंगा। टोटल 10-12 वीडियोस बनेंगे इनके, तो इसमें मैं स्लो स्टेप बाय स्टेप आपको सारे एप्लीकेशंस बता दूंगा। तो जो पहला एप्लीकेशन है वो ये होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। क्या है थोड़ी देर में बताता हूं, बट इससे पहले एक बेसिक जानकारी के लिए बता दूं, ये जो है ना टेलर थ्योरम से आया है। टेलर्स के काफी सारे थ्योरम है, उसमें से ये एक एक्सपांशन का फॉर्मूला वो उन्होंने दिया था। तो बेसिक टेलर थ्योरम क्या कहता है, इसके भी बहुत सारे वेरिएशन है, तो मैं एक बेसिक थ्योरम एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो व्हाट इज एफ ऑफ ए प्लस एच इज एफ ऑफ ए सेम प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए प्लस एच स्क्वायर एंड सो ऑन। बहुत टर्म है, इनफाइनाइट टर्म्स है इनकी। हम जितनी टर्म्स ज्यादा लेंगे उतना अपना आंसर ज्यादा एक्यूरेट आता जाएगा, बट हमारे 12th के सिलेबस में हम लोगों को सिर्फ इतना ही फॉर्मूला दिया गया है और हम सिर्फ इतनी फॉर्मूला के ऊपर काम करेंगे। तो ये जो टेलर थ्योरम है, सिर्फ ऐसे ही आपकी जानकारी के लिए बताया, अभी का जो पूरा लेक्चर होगा सिर्फ इसी फॉर्मूले के ऊपर होगा। मैं दिखाऊंगा कि यूजिंग डेरिवेटिव, एफ डैश का मतलब क्या, डेरिवेटिव, तो यूजिंग डेरिवेटिव कैसे मैं इसका फायदा उठाऊंगा कैलकुलेशंस में। फॉर एग्जाम्पल, ये पहला एग्जाम्पल देखिए, बहुत ध्यान से समझिए और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्यूब रूट ऑफ 63, अगर क्यूब रूट ऑफ 63 निकालना है तो बेसिकली काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। कैलसी नहीं है मेरे पास, तो क्यूब रूट ऑफ 63 निकालना काफी डिफिकल्ट है, बट ये डेरिवेटिव के काम से कैसे होगा देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, ऐसा कौन सा क्यूब रूट होता है जो आपको बहुत आसानी से आ जाता है, इसके आजू बाजू वाला? तो आप बोलते हैं सर 64 का क्यूब रूट, वो बहुत आसान है, 4 का क्यूब 64 होता है, तो 64 का क्यूब रूट 4 आएगा, सबको पता है, बट ये 63 गंदा है। तो लॉजिक ऐसा है ना, तो जो नंबर अच्छा है हम लोग, सॉरी जो नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम लोग उसको ए प्लस एच बोलेंगे। और फिर मैं ये पूछूंगा अरे इसकी जगह कौन सा नंबर अच्छा था, तो आप बोलोगे सर 64 अच्छा था। तो यहां से आप देखोगे ध्यान से, तो एच क्या बनेगा आपका, एच बनेगा -1, बराबर है, 64 यहां जाएगा, -1 बनेगा। ये समझना बहुत जरूरी है, जो क्वेश्चन है उसकी जगह क्या अच्छा है वो देखूंगा मैं, और जो अच्छा है उसको ए बोलूंगा और जो क्वेश्चन है उसको ये। ओके, तो अगर ऐसे देखे तो कोई तो मुझे बताओ कि मुझे इसमें ना fx ढूंढना है। fx का मतलब क्या है, fx मतलब मैं बोलूंगा जो गंदा नंबर था उसको मैं x भी बोलता हूँ। बेसिकली व्हाट कैन आई से इज x इज नथिंग बट a प्लस एच। ठीक है, अब मैं सब कुछ उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ। अगर fx क्यूब रूट ऑफ x है तो f ऑफ y क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ y, f ऑफ z क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ z। सो वापस एक बार आपकी खुशी के लिए फॉर्मूला लिखता हूँ, f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू व्हाट, f ऑफ a प्लस h इनटू f डैश ऑफ a। नो आपको तो पता है हम लोग डेरिवेटिव्स में काफी अच्छे हैं, तो मैं आपको डेरिवेटिव भी पूछता हूँ। अगर fx मेरा, अगर मेरा fx है x रेस टू 1/3, तो f डैश x क्या आएगा मेरा, f डैश x आएगा 1/3 x रेस टू दिस -1 -2/3। चलिए अब स्टार्ट करता हूँ। तो f ऑफ a प्लस h मतलब क्या, मतलब क्यूब रूट ऑफ a प्लस h, और a प्लस h कौन है, 63 इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए मतलब क्या, क्यूब रूट ऑफ ए 64 प्लस एच, एच क्या है मेरा -1 इंटू एफ डैश ऑफ ए, एफ डैश क्या आपका 1/3 और ए क्या आपका, ए था 64, ये आएगा 64 रेस टू -2/3। देखिए मैंने बहुत सारी चीजें एक स्टेप में कर दी, वापस बोलता हूं। तो एफ ऑफ ए प्लस एच मतलब क्या था, क्यूब रूट ऑफ ए प्लस एच, नंबर डाल दिया मैंने, एफ ऑफ ए मतलब क्या, क्यूब रूट ऑफ ए, नंबर डाल दिया मैंने, एच नंबर डाल दिया, और एफ डैश ए नंबर डाल दिया, तो क्यूब ये क्या बनेगा, 64 का क्यूब रूट क्या बनेगा 4 माइनस ये क्या बनेगा 1/3। और अब 64, पहले काम करते हैं, 64 का क्यूब रूट क्या होता है 4, 4 का स्क्वायर 16 रेस टू -1 मतलब 1/16। तो आगे सिर्फ ये कैलकुलेशन करना है, तो आएगा 4 माइनस ये आएगा 1/48 जो कि बन जाएगा ये। तो आप देख सकते हो ये नंबर 1/48 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो ये नंबर आ गया। अगर आप कैलसी से भी ट्राई करोगे ना तो इसका नंबर इसके बहुत नजदीक आएगा। ऑफकोर्स थोड़ा बहुत एरर इसलिए है क्योंकि हमने फॉर्मूला इधर तक ही रुकाया, टेलर काफी ज्यादा लंबा फॉर्मूला दिया था कि टेलर ने हम लोगों ने सिर्फ पहले दो टर्म लेके इतना ज्यादा हम लोगों को फायदा है कि आंसर इतना नजदीक आता है।
तो एक और सम देखते हैं, जैसे कि मुझे पूछा है लॉग ऑफ 9.01 क्या है। पहली बात आपको समझा दूं, लॉग होता है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लिमिट्स पूरे इसको मिला के कैलकुलस बोलते हैं, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन लिमिट्स कंटिन्यूटी, इन सब में है ना लॉग अगर बोले और कुछ मेंशन ना हो तो हमेशा याद रखना इसका बेस क्या होता है, ई होता है, ई। ओके, अब मुझे लॉग 3 का आंसर अगर दिया है तो मुझे किसी ने पूछा है लॉग ऑफ 9.01 क्या है। हाँ, जो आप लॉग आप बाहर करते हो 0.477 वो बेस 10 होता है, लॉग बेस ई 1.09 है। तो वापस एक बार पूछता हूँ, 9.01 वो तो मेरा ए प्लस एच है, जो गंदा नंबर है उसको मैं बोलूंगा ए प्लस एच। उसकी जगह आप मैं पूछता हूँ आपको अच्छा नंबर क्या होता, तो आप बोलते 9, लॉग 9 मतलब क्या 3 का स्क्वायर मतलब 2 log 3, तो वो हो जाता, तो ये अच्छा है। इससे मुझे एच मिल जाएगा, एच क्या होता 9 इधर, तो एच में आएगा 0.01। फिर आप बोलोगे एफ ऑफ एक्स क्या है, मतलब ए प्लस एच को ही आपको एक्स बोलना है, मतलब वो बोलेगा लॉग एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा आपका, एफ डैश एक्स आएगा 1/x। तो वापस हम लोग एक बार वही फॉर्मूला वापस लिखते हैं एंड देखते हैं क्या होता है। तो क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए प्लस एच मतलब क्या, लॉग ऑफ ए प्लस एच मतलब लॉग ऑफ 9.01, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए मतलब क्या आएगा, लॉग ए मतलब क्या आएगा लॉग 9 प्लस एच, एच क्या आपका 0.01 इंटू एफ डैश ऑफ ए मतलब ये आएगा 1/9। तो लॉग 9 मतलब क्या आएगा, लॉग ऑफ 3 का स्क्वायर, स्क्वायर आगे जाएगा प्लस ये आएगा 0.0। अब 1 को तो 9 डिवाइड करेगा नहीं, तो हम और आगे जाएंगे शायद 0111, दो तीन चीजें और लिख सकते हैं। तो ये आएगा 2 इंटू लॉग 3, वो तो दिया है मैंने, कितना आएगा 1.0986 प्लस 0.0011, चार डिजिट लिखते हैं हम लोग। तो ये आएगा आगे, इनकी एडिशन हम यहाँ पे करेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा, तो ये आएगा 83192। ठीक है, तो ये इसके एप्लीकेशंस है। एक और एप्लीकेशन देखते हैं, अगर मुझे किसी ने पूछा cos 60° 30 मिनट्स, ऑब्वियसली cos 60° आप पूछते तो बहुत अच्छा लगता है, cos 60 तो सबको पता है हाफ 0.5 होता है, तो ये जो है वो तो कुछ अलग है। तो वापस एक बार मैं सेम क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, ए प्लस एच मतलब गंदा नंबर कौन है 60° 30 मिनट्स, सुनने में बहुत खराब लगता है, तो उससे अच्छा मैं क्या करता हूँ ना, मैं बोलता हूँ 60.5 डिग्रीज, 30 मिनट्स मतलब हाफ डिग्री, 60 मिनट्स मतलब 1 डिग्री होता है आपको पता है, तो 60.5 उसकी जगह कौन सा नंबर अच्छा होता, तो आप बोलते 60° cos 60 सबको अच्छा आता है। जैसे बोला मैंने ये, तो हम लोग ये भी समझ गया कि एफ एक्स क्या होगा मेरा, तो ए प्लस एच को मुझे बोलना है ये, मतलब वो बनेगा cos एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या बनेगा, एफ डैश एक्स बनेगा माइनस साइन एक्स, हम लोग डेरिवेटिव्स में एक्सपर्ट है। हाँ, उन्होंने ये भी दिया है 1 डिग्री कितना होता है रेडियन, आपको पता है ये सारे कैलकुलेशंस जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्यूब रूट ऑफ 63 वगैरह ढूंढा था, तो वो सारे रेडियन होते हैं और डिग्री टू रेडियन हमें कन्वर्जन पता होना चाहिए, ये उन्होंने दिया था। मैं भी ये बता सकता हूँ वैसे तुम्हारे जानकारी के लिए, बेसिकली 1 डिग्री आप ऐसे सीधा सीधा लिख सकते हो 7/400 रेडियंस, इट इज ऑल्सो इजी टू यू नो अंडरस्टैंड रिमेम्बर। ओके, जैसे हुआ ए पता है मुझे, ए प्लस एच पता है, तो मुझे एच मिल जाएगा, एच मिलेगा 0.5 डिग्री मतलब हाफ डिग्री। चलिए वापस एक बार फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। टाइम पास के लिए आपको चाहिए तो इसमें एक टर्म और ट्राई कीजिए और खुद के कैलकुलेटर से भी ट्राई कीजिए, चार डिजिट तक आपके आंसर टिक टू मैच होता है, इतना पावरफुल फॉर्मूला टेलर। ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस एच मतलब एफ ऑफ ए प्लस एच मतलब क्या, कॉस ऑफ ए प्लस एच मतलब कॉस ऑफ 60° 30 मिनट्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए का मतलब क्या, कॉस ऑफ ए मतलब कॉस 60 डिग्री प्लस एच मतलब हाफ डिग्री और एफ डैश मतलब माइनस साइन 60 डिग्री। और जैसे कि आपको पता है हमें सिर्फ नंबर्स डालने हैं, व्हाट इज कॉस 60, तो मुझे पता है 0.5। नेक्स्ट स्टेप मैं माइनस बाहर निकालता हूँ, हाफ मतलब हाफ इधर ही रखता हूँ इंटू 1 डिग्री, 1 डिग्री मतलब क्या 0.0175 इंटू ये नंबर, ये कितना आएगा 0.8660। नेक्स्ट कैलकुलेशन मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जैसे आप देख रहे हो कैलकुलेशन करना काफी मुश्किल है, आपको ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है तो आप ये कर सकते हो, क्या आएगा वो 0.5 माइनस, कैसे बोला था मैंने 7/400, ये आएगा 7/800
इनटू ये 7/800 बनेगा इनटू 0.866. नेक्स्ट स्टेप में आप ये कर सकते हो 0.5 माइनस 7 इनटू आप दो डिजिट और पीछे लेके जाओ और अब दो डिजिट और देखो कैसे होता है. जैसे कि मैंने यहां पे पहले 8 से डिवाइड करता हूं, चलो तो 7/100 पहले 8 से डिवाइड करते हैं, तो ये आ गया 0.10 उसके बाद 825 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है. और 200 ही करने के बाद ये बनेगा 0.5 माइनस 7 इनटू ये आएगा 0.00108, बस हो गया शायद इतना ही. तो आपको सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई करके सब सबट्रैक्ट करना है. ये होगी cos 60° 30 मिनट्स की वैल्यू. एक आखिरी सम देखते हैं, tan इनवर्स. अब इस बार मैं फास्ट करूंगा. गंदा नंबर मतलब a प्लस h वो आएगा 1.001. अच्छा नंबर ऑफ कोर्स 1 tan इनवर्स 145° होता है. नेक्स्ट f(x) क्या होगा, वो होगा tan इनवर्स x. f'x क्या होगा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 + x². नेक्स्ट h क्या होगा, अगर a मेरा 1 है तो h होगा 0.001. लास्ट फार्मूला f(a+h) f(a+h)(f'a). f(a+h) मतलब कौन, f(a+h) मतलब tan इनवर्स ऑफ a+h, मतलब tan इनवर्स ऑफ 1.001 tan इनवर्स 1 प्लस 0.001 1/1 f(a) मतलब 1+1. tan इनवर्स 1 मतलब 45° π/4 और ये आएगा 0.001/2, तो ये आएगा π/4 प्लस u. अभी तुम्हें जैसे भी सिंपलीफाई करना है करो, आप मैं 0.0005 करके मैं इधर ही छोड़ रहा हूं. तो ये आपका होमवर्क रहेगा 6-7 सम्स से, ये 8-9, नेक्स्ट ये 10, ये 10वां मैंने किया था तो 11 से लेके 16, 11 भी किया नहीं, 11 से लेके 16. थैंक यू.